नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम अंडेमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में नील आइलैंड में हैं। आज दिन की शुरुआत हम सीतापुर बीच विजिट करके कर रहे हैं। तो अब देखिए, इस समय जितनी गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं ना, ये खड़ी हुई हैं, इस तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब लोग सनराइज़ देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ा ही अमेजिंग व्यू है, आप देखो सामने जी कैसा लग रहा है। अभी देखो सन तो अभी तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऑरेंज ऑरेंज हो गया है। और अभी इस मोमेंट पे नाना करते भी 100 से ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। और एक चीज़ बड़ी प्यारी है, यहाँ पर ना बहुत सारी चट्टानें हैं छोटी छोटी, तो लोग बाग क्या कर रहे हैं, चट्टानों के ऊपर बैठे हुए हैं और बैठ के वो सनराइज़ व्यू इंजॉय कर रहे हैं। इस बीच में पानी के अंदर जाना सेफ नहीं है और ना ही ये बीच स्विमिंग के लिए सूटेबल है। यहाँ तो सिर्फ लोग सनराइज देखने आते हैं और दोपहर के समय या शाम के समय ज्यादा लोग नहीं आते। सनराइज़ हुए हुए आधे घंटे से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन अब बादल होने की वजह से ना बहुत क्लियर सनराइज़ हम नहीं देख सके। अब एक काम करते हैं हम लोग ना, समुद्र किनारे वॉक करते करते थोड़ा आगे तक चलते हैं। मैंने अपने ना शूज़ पीछे छोड़ दिए, काफ़ी लोग मुझको ऐसा बोल रहे हैं, यार आपकी जो ऐसे इंस्टाग्राम में डालता हूँ ना पोस्ट, तो कुछ लोग बोल रहे हैं आप ना जो ड्रेसेस पहनते हो ना बिल्कुल मौके के हिसाब से नहीं पहनते, जैसे सी बीच आए हो तो ट्राउजर पहन के आ गए। तो एनीवेज चलो थोड़ा वॉक करते हैं आगे और उसके बाद यहाँ से चलेंगे। लगभग आधा किलोमीटर चलकर ना हम इस जगह तक आ गए हैं। यहाँ पर आके ना मेरा मन तो हो रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ, सामने आपको वो दिख रहा है जहाँ पे ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, लास्ट ट्री है, वहाँ तक जाऊँ और वहाँ देखूँ कि आगे बीच है या आगे समुद्र है, ऐसा वहाँ मैं जाने की मेरी इच्छा है। लेकिन अब सीन ये है कि यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता थोड़ा सा स्लिपरी है। मान लो मैं उतर भी गया तो वहाँ से मैं जाऊँगा कैसे, वहाँ तो देख के पानी लग रहा है कम से कम 4 फीट है। और अभी पता क्या, हाई टाइड का समय चल रहा है तो वहाँ जाने का सही टाइम ये है ही नहीं। मेरे को किसी ने 10 मिनट पहले ये बात बताई है कि अगर आप लो टाइड के समय आओ तो आप यहाँ से उतर के पैदल पैदल चलते हुए वहाँ तक जा सकते हो और व्यू भी इंजॉय कर सकते हो, और शायद वहाँ पर एक कोई केव भी है। हमारे लिए बेटर रहेगा अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। बीच किनारे जैसे ही मैं चलते चलते आगे जा रहा हूँ ना, यहाँ की सैंड तो मेरे को एक ऐसा लग रहा है नेक्स्ट लेवल है, चलने में बहुत मज़ा आ रहा है, सुपर। हमने सोचा अब एक काम करते हैं, होटल चलते हैं और नाश्ता करते हैं, फिर आगे घूमने को चलेंगे। तो लौटकर वापस हम आ गए रॉयल नील रिजॉर्ट। मैंने पिछले एपिसोड में ना रूम भी दिखाया था। टैरिफ यहाँ पर जो हमको पड़ा है वो डबल ऑक्यूपेंसी में 3000 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। नाश्ते में हम पोहा खा रहे हैं और यहाँ से अभी हम निकलेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर। ओवरऑल अच्छी एकोमोडेशन है। इस समय हम लक्ष्मणपुर वन बीच में हैं। यहाँ पर आके ना जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो है कि सैंड में फ़र्क है, सुबह जिस बीच में गए थे वहाँ की सैंड अलग थी। और सामने हमको हैवलॉक आइलैंड दिखाई दे रहा है, वो आपको फेरी दिख रही है ना, मुझको लग रहा है वो हैवलॉक ही जा रही है। अभी हाई टाइड का समय चल रहा है तो पानी का बहाव आगे की तरफ आ रहा है। वैसे ये जो बीच है ना ये सनसेट के लिए ज़्यादा फेमस है, शायद यही रीज़न है कि इस समय बीच में कोई भी नहीं है।
लेकिन अगर शाम के समय आएंगे तो यहाँ पर टूरिस्ट काफी आते हैं। अगर कोई वॉक करके यहाँ से लक्ष्मणपुर 2 तक जाना चाहे, जो दूसरा बीच है, तो जा सकता है। लगभग 40 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन लो टाइड रहना चाहिए, हाई टाइड के समय नहीं जा सकते। सही है, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे और हम जाने वाले हैं भरतपुर बीच। अंडमान को थॉरली इंजॉय करना है ना, तो टाइट आइटनरी के साथ नहीं कर सकते। हमारी तो मजबूरी है, हमें वीडियो बनाना होता है, इसकी वजह से हमें आइटनरी फॉलो करनी होती है। मेनलैंड के जो सी बीचेस रहते हैं वो ज़्यादातर टूरिस्ट ही रहते हैं, तो आपको ना वो फील नहीं आती जो अंडमान आके आती है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड टूरिस्ट आते हैं। अब नील आइलैंड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ तो ओवरऑल ही टूरिस्ट कम आते हैं, लेकिन यहाँ पर आके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जगह 2 दिन मांगती है। हम सिर्फ 1 दिन का प्रोग्राम लेकर आए हैं। हम भरतपुर बीच की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो मैंने यहाँ पर ना वेजिटेबल मार्केट देखी, तो हम लोग रुक गए हैं। आओ जी, आपको दिखा भी देते हैं और ख़ुद भी यहाँ की वेजिटेबल मार्केट विज़िट कर लेते हैं। आपके यहाँ पर लोकल सब्ज़ी कौन सा है और कौन सा जो पोर्ट ब्लेयर से आ रहा है? लोकल सब्ज़ी है, भिंडी है, ये मिर्ची है, ये कुमड़ा है, ये केला है, ये लोकल है। पोर्ट ब्लेयर से टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये गुनिया, ये पोर्ट ब्लेयर का है, ये पत्ती गोभी ये पोर्ट ब्लेयर का है। अब पोर्ट ब्लेयर से आ रहा है तो इसका मतलब है कोलकाता से आ रहा है या चेन्नई से आ रहा है, इसका मतलब तो यही है ना। अच्छा, रेट में फ़र्क रहता है? जैसे अब ये भिंडी का क्या रेट है यहाँ पे? यहाँ पर 100 रुपया होता, दूसरा दिन 80 रुपया भी हो जाता। 100 रुपये किलो? किलो। तो आप लोग ये मार्केट कितने बजे सुबह शुरू करते हैं? सुबह 6 बजे। 6 बजे 12 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, 3 बजे खोलते हैं, रात को 8 बजे से। हमें किसी ने बताया यहाँ पर नील आइलैंड की जो टोटल आबादी है वो 6000 है, तो आपको लग रहा है 6000 होगा कि ज़्यादा होगा? इतना ज़्यादा ही होगा, बाहर का आदमी ज़्यादा है जो काम करने को आता है। अभी यहाँ से आधा किलोमीटर पहले हमने स्कूल देखा था, तो वही स्कूल है नील आइलैंड में या उसके अलावा भी है? उसके अलावा भी है, 3 स्कूल। टोटल 3 स्कूल है? टोटल 3 स्कूल। और अगर कुछ किसी को बीमारी होती है, मतलब हेल्थ सेंटर, तो हम लोग हैवलॉक में देखा था, वहाँ तो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, इधर गवर्नमेंट मेडिकल है, वो इमरजेंसी होने से पॉपुलर मेडिसिन का। अच्छा, वहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी थी कि अगर कोई बीमार हो जाए तो मतलब एयरलिफ्ट करने की नौबत आए तो फैसिलिटी होती है लोकल लोगों के लिए, एयरलिफ्ट करके उनको वो पोर्ट ब्लेयर ले जाते हैं, तो सेम फैसिलिटी यहाँ पर भी है हेलीकॉप्टर से लेके जाने का? एमरजेंसी होने से हेलीकॉप्टर आता है ना, एमरजेंसी नहीं होने से बोट नहीं। हाँ, चलो अच्छा लगा भैया आपको मिलकर। ठीक है जी, धन्यवाद। वेजिटेबल मार्केट के बगल में ना 25 से 30 दुकान है यहाँ जो मुझे दिखाई दे रही हैं, ज़्यादातर ग्रॉसरी, जनरल मर्चेंट्स, कुछ एक दुकानें हैं अगर आप कैपरी या कुछ स्विम सूट खरीदना चाहते हो। घूमते घूमते क्या होता है, आपके कपड़े वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, और उसके बाद बरसात होगी तो सूख भी नहीं पाते, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। चलो अब हम यहाँ से ना भरतपुर बीच जा रहे हैं और बीच पहुँच के आपको ज्वाइन करते हैं। भरतपुर बीच पहुंच गए हैं और पहुंचते सार सबसे पहले हमें हमारा मन हुआ नारियल पानी पी लें। नाइस, गुड। ये बड़ी सी पार्किंग बनी हुई है और पार्किंग के सामने ये किरण करके रेस्टोरेंट है, ये भी अच्छा लग रहा है। आप मान लो इस रेस्टोरेंट में बैठ जाओ, पीछे इतनी सारी ग्रीनरी हो और कोकोनट ट्री, तो एक के बाद एक है। गुड, आई कांट बिलीव दिस। पानी कितना ज़्यादा क्लियर है वो देखो, और लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं। लास्ट मेरे को जो पर्सन दिख रहा है ना, जिसके ऑलमोस्ट समझ लो 4 फीट लेवल तक पानी है, वो यहाँ से होगा अंदाज में 70-80 मीटर। अगर लो टाइड के समय
मैं यहाँ से सीतापुर बीच जाना चाहूँ तो मैं ऐसा बीच किनारे चलते चलते सीतापुर बीच तक जा सकता हूँ लो टाइड के समय, ठीक है। वापस आ गए भरतपुर बीच। अब लो टाइड के समय आपको यहाँ से पैदल चलते चलते लक्ष्मणपुर वन और फिर लक्ष्मणपुर टू जाना है, तो आप निकल निकल के जा सकते हो साइड साइड से। भले पहुँचने में लग जाएंगे एक घंटा, लेकिन अप्रोचेबल है, मतलब जाया जा सकता है। यहाँ पर आके तो आप रिलैक्स करो, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, बहुत अच्छा चेयर ले लो और हैव अ ग्रेट टाइम। थोड़ा वॉक करके चलते हैं और वहाँ चलकर हम लोग जेट स्की करेंगे। यहाँ पर जेट स्की करने का जो मज़ा है ना, ये नेक्स्ट लेवल है। पहली बात मैंने तो बोला कि मेरे को ना फास्ट करवाओ, क्योंकि हमें एलिफेंट बीच में मज़ा नहीं आया था हैवलॉक में, तो ये बात मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दी। तो भैया हमको सीधा ले गए, एकदम सीधा, मतलब समझ मुझे नहीं पता क्या स्पीड थी, लेकिन वो तो टेरिफिक था। उसके बाद मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कांच के ऊपर हमारी जेट स्की हो रही है। मैं कांच पर कांच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा मुझको लग रहा था, समुद्र लग ही नहीं रहा था कांच में। सेकंड रीज़न क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नीचे दिखाई दे रहा था, जैसे यहाँ पे देखो पानी के नीचे सैंड कितनी क्लियर दिख रही है, मछलियाँ भी दिख रही हैं, देखो कितनी सारी मछली है। और आगे जाके तो मतलब मेरे को कम से कम 5 फीट 6 फीट मैं नीचे देख पा रहा था। सिर्फ ये है, ऑन द फ्लिप साइड ये लोग टाइम देते हैं 2 मिनट का, मतलब समझ लो 1.5 से 2 मिनट, वैसे जनरली 3-3.5 मिनट दे देना चाहिए। कोई बात नहीं, दिल मांगे मोर, नो प्रॉब्लम। एक्सपीरियंस ओवरऑल हमारा अच्छा रहा। और एक तरह से मैं ये भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप यहाँ पर आके जेट स्की करो ना करो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन यहाँ पर आके ट्राई टू गिव गुड टाइम टू दिस बीच। मतलब 2-4 घंटे आपके कहाँ निकल जाएंगे मालूम भी नहीं चलेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। बहुत प्यारा बीच है, मतलब अगर मैं अब क्विकली समराइज करूँ, अभी तक हमने जितने बीचेस देखे हैं, चाहे वो हैवलॉक के हों चाहे वो नील आइलैंड के हों, ये नंबर वन है, भरतपुर बीच रॉक्स। हम ना पार्किंग के पास ना किरण रेस्टोरेंट में आ गए हैं। जाते समय मैं इनको बोल गया था मेरे लिए रेड स्नैपर तवा फ्राई दे दो। अब इनका वैसे टाइमिंग तो 12 बजे से होता है रेस्टोरेंट का, 12 से रात में 8 या 9 बजे तक, लेकिन मैंने बोला कि देखो कर सकते हो रेडी, तो इन्होंने मेरे लिए रेड स्नैपर तवा फ्राई रेडी कर दिया है। फिश का जो टेस्ट है ना, ना ये फ्रेश वाटर फिश जैसा है, ना ये सॉल्ट वाटर फिश जैसा है, थोड़ी टेस्ट है। बाकी प्रिपरेशन अच्छी है, सिंप्लिसिटी हाई है प्रिपरेशन में, सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट है मतलब जो ऊपर लगा रखा है, और नींबू तो मैंने डाल ही दिया ऊपर से। 10:15 हो गए हैं, हमारी फेरी है 11 बजे की, सेफ साइड में हमें आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें 10 मिनट में यहाँ से मैक्सिमम निकलना चाहिए। जेट्टी तो यहाँ से 5 मिनट की डिस्टेंस पर, वैसे भी नील आइलैंड बड़ा नहीं है, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर तक आप आसानी से 8 किलोमीटर का सफ़र करके पहुँच सकते हो। अंडमान में ट्रैवल करते समय मैंने ये देखा है कि अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉप चाहिए ना, तो टैक्सी काफ़ी आसानी से मिल जाती है, स्पेशली हैवलॉक और नील में, तो मैं यही नोटिस कर रहा हूँ। तो हमने कहाँ से कहाँ जाने का क्या चार्जेस दिया, टैक्सी कहाँ से बुक करवाई, ये सब आप हमारे दूसरे चैनल हरीश वाली ट्रैवल्स में देखेंगे। आमतौर पर जो एक दिन की जर्नी होती है ना, उसका कुछ हिस्सा हम उसमें शो करते हैं, जो ज़्यादा इलेबोरेट पॉइंट्स हैं वो उसमें शो करते हैं, साथ में कोशिश करते हैं उसके अंदर बिहाइंड द सीन्स भी काफी सारे आए। हम लोग ग्रीन ओशन फेरी बोर्डिंग पॉइंट तक आ गए हैं। यहाँ पर इनको का सिस्टम क्या है, लगेज अलग जाता है और पैसेंजर अलग जाता है, गवर्नमेंट फेरी में ना दोनों एक साथ जाता है। अब जैसे इनका स्टाफ लगा हुआ है, यहाँ से आप लगेज ट्रांसफर कर दो, तो हमारे जो बड़े वाले बैग है वो हमने यहाँ से भेज दिए हैं,
जैसे ये हैंडबैग्स हैं तो मैं साथ ले जाऊंगा। पोर्ट ब्लेयर तक पहुंचने में ना हमारे को 1 घंटा और 50 मिनट का टाइम लगेगा। अब साइमल्टेनियस बोर्डिंग हो रही है मैक्रूज की भी और ग्रीन ओशन की भी, उस चक्कर में बहुत अभी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। हाँ टिकट सर, टिकट हमारे 4 लोग थे ना, वो दिखा के गया होगा आपको। हमने ना प्रीमियम प्लस कैटेगरी में बुकिंग करवाई थी तो 6,800 रुपये हमने चार्ज दिया है 4 लोगों का। अब व्यू जो हम देख रहे हैं ना, ये चीज़ है जो देख के मज़ा आ रहा है। अब देखो ना, ओपन सी को तो हम देख ही रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, लेकिन टिंटेड ग्लास से सी को देखना, क्योंकि आइस पे प्रेशर नहीं पड़ता, सही लग रहा है ना। ऊपर क्लाउड्स, वाओ सुपर। मैंने ना यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें ऐसा बोल रहे थे कि ग्रीन ओशन अगर आप बुक कराओगे ना तो आप डेक पे जा सकते हो, लेकिन जब हम बुकिंग करवाने लगे तो तब हमें मालूम चल चुका था कि अभी डेक ओपन वाला बुकिंग नहीं हो रहा, तो हो सकता है कुछ रीज़न हो। तो ये फेरी पर्टिकुलरली जिसमें हम बैठे हुए हैं इसमें डेक ओपन नहीं है, तो आप क्लोज कंपार्टमेंट एरिया में बैठे हो, लेकिन सफ़र इंटरेस्टिंग है। हम देखिए समुद्री का म्यूजियम विजिट करने आए हैं, नेवल मैरीन म्यूजियम आप सामने देख रहे हैं। अंदर चलते हैं, हमने 50 रुपये पर पर्सन की एंट्री टिकट निकाल ली है। आइए जी, म्यूजियम एंटर करते ही ना ये मेरे को एंटी एयरक्राफ्ट गन दिखाई दे रही है। इन्होंने ये काम अच्छा किया है कि स्पेसिफिकेशन सारी बोर्ड पे लिखी हुई है। देखो जी, वेल का स्केलेटन, इन्होंने स्केलेटन यहाँ बड़ा खूबसूरती से डिस्प्ले किया हुआ है और साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी दिया है कि वेल्स नेविगेट कैसे करती हैं। दिस माइटी मैमल कैन ग्रो सो लार्ज दैट 8 एलिफेंट्स कैन ईजिली स्टैंड इन अ रो ऑन इट्स बैक। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पढ़ लो, वेल के स्केलेटन को देख लो, आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा। नाइस। इन्होंने ना जरावा ट्राइब के बारे में इन्फॉर्मेशन भी यहाँ लिखी हुई है और जरावा ट्राइब के लोग किस प्रकार के हथियार यूज़ करते हैं वो भी लिखे हुए हैं, जैसे तीर है उनके पास, तलवार है। अब जब हम बारातंग जाएंगे ना तो वो एरिया है जो जरावा ट्राइब के रास्ते से होते हुए जाता है, तो रास्ते में वहाँ हम, ऐसा सुना है मैंने कि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, ऐसा बताया जाता है। अगर आपको जरावा ट्राइब के कोई लोग रोड पर दिख जाए तो आप उनको नज़रों से देख सकते हो, उनकी ड्रेस, उनकी अपीयरेंस को समझ सकते हो कि वो दिखते कैसे हैं, लेकिन आप ना उनकी वीडियो निकाल सकते हो ना उनसे कुछ बात करने की कोशिश कर सकते हो। कन्वॉय जाता है, ऐसा सिस्टम है। टूरिस्ट जो आ सकते हैं ना वो केवल अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आ सकते हैं, और वो भी सारे आइलैंड्स विजिट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से बहुत सारे आइलैंड हैं जहाँ केवल ट्राइब के लोग रहते हैं, और काफ़ी सारे आइलैंड हैं जहाँ कोई भी नहीं रहता। निकोबार साइड के जो आइलैंड्स हैं वहाँ कोई भी नहीं जा सकता, तो इन्होंने ये बहुत खूबसूरती से बताया हुआ है। निकोबारी जो लोग हैं, बेसिकली उनके जो ट्राइब है निकोबारी, वो लोग इस प्रकार की हट में रहते हैं। देखिए अब ना यहाँ पर मैं एक्वेरियम विजिट करने आया हूँ, हमें यहाँ पर कैटफिश दिख रही है, विडो टेट्रा, ये स्मॉल फिश है ना, ये बड़ा ब्यूटीफुल इसका स्किन कलर है। इस म्यूजियम की सबसे जो की हाईलाइट मेरे को समझ आ रही है वो है स्टार फिश। देखो स्टार फिश को हम जैसे लोग तो केवल म्यूजियम में ही देख सकते हैं, इसके बारे में जितना मैं जानता हूँ इसमें माइंड भी नहीं होता, ब्लड भी नहीं होता, ये सी वाटर से अपने आप को ज़िंदा रखता है। इन्होंने एक काम अच्छा किया है, अब काफ़ी लोग क्या है किसी भी फिश के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो लोग ना पढ़ भी सकते हैं। इस गैलरी में आके ना हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोरल्स देख सकते हैं। इसका नाम ब्रेन कोरल इसलिए क्योंकि ब्रेन की शेप के जैसे है ना, यहाँ यहाँ यहाँ, तो सिमिलर कोरल्स को ग्रुप कर दिया ब्रेन कोरल्स के नाम से। नाइस। अच्छा, ये फिंगर की शेप में है कोरल, तो इसका नाम फिंगर कोरल। पहले आप मैप को देखकर बेसिक समझ लीजिए। ऊपर का मतलब हो गया कि दिगलीपुर और आप नॉर्थ साइड पहुंच चुके हो, उसके आगे बर्मा है और यहाँ पे कोको चैनल है। अभी ये कोको आइलैंड्स के बारे में पहले 2 लाइनें बता देता हूँ कि कोको आइलैंड्स आज की डेट में वहाँ पर चाइनीज़ बैठे हुए हैं,
आप गूगल करो, आपको पढ़ने को मिल जाएगा। थोड़ा नीचे आ जाएंगे साउथ की तरफ तो ये साउथ अंडेमान आ जाएगा। हम लोग पोर्ट ब्लेयर में हैं, या इन्होंने एयरक्राफ्ट के साइन दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट है। हम तो इस समय पोर्ट ब्लेयर आए हुए हैं। अब बात करते हैं जो पीवीसी अवॉर्डीज हैं उनके नाम पे, जो आइलैंड्स का नाम दिया गया उनके यहाँ पर नाम लिखे गए हैं और साथ में नंबरिंग है जिससे कि आप आइलैंड देखकर रिलेट कर सको। अब ऊपर जैसे हमको अल्बर्ट इक्का जी का नाम पढ़ने को मिल रहा है, मेरे को याद है मैं हाल में रांची झारखंड गया था तो वहाँ मैंने अल्बर्ट इक्का चौक देखा था, वो इन्हीं के नाम पे है। इनका बर्थ रांची का है और इनके नाम से तो फिल्म भी बनी है, कैप्टन विक्रम बत्रा, शेरशाह नाम की फिल्म है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कारगिल वॉर में ये शहीद हुए थे। तो इनके नाम पे जो आइलैंड है वो सात नंबर है, सात नंबर हम आइडेंटिफाई ये कर सकते हैं ये है। आइए जी, अभी देखिए हम ना एक ऐसी गैलरी में आए हैं जहाँ पर हमको बहुत सारे शेल देखने को मिल रहे हैं और इन्होंने ये काम बहुत बढ़िया किया है कि आप हिंदी या इंग्लिश में पढ़ के शेल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान सकते हो, शेल्स बनते कैसे हैं और शेल्स का इस्तेमाल मनी के लिए कैसे किया गया, कब किया गया, किसने किया। और ये है जी मदर ऑफ पर्ल्स, ऐसा क्लैंप है अंदर ना, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पर्ल है। मेरा पहले ध्यान नहीं गया, गैलरी के सेंटर में भी ना इन्होंने डिस्प्ले पे बड़े साइज़ के शेल रखे हुए हैं। जैसे ये देखो जी, इतना बड़ा शेल तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ह्यूज, ज़बरदस्त। अब इसको पूरी तरह से तैयार होने में कितने साल लगते हैं ये हमको गूगल में सर्च करके पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। अब हम ना इस म्यूज़ियम की लास्ट गैलरी विजिट करने आ गए हैं और बाहर हमारे को ना भाला दिख रहा है जिसको जरावन बोलते हैं, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। सेंटिनलीज जो यहाँ के ट्राइब हैं वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहते हैं। अंडेमान में जितने ट्राइब्स हैं जो सालों साल से यहाँ पे रह रहे हैं उनमें से कुछ ट्राइब्स तो गवर्नमेंट के प्रति फ्रेंडली हो गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब गवर्नमेंट क्या होता है, कोई बीमार पड़ जाता है तो उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने जाता है और साथ में उनको बीच बीच में एड और अदर सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है ऑन सम फ्रीक्वेंसी, समटाइम्स वंस इन अ मंथ, समटाइम्स ट्वाइस इन अ मंथ। लेकिन ये जो सेंटिनलीज हैं ये बहुत एग्रेसिव ट्राइब है, मतलब इनको ये अगर किसी को देखते हैं ना जो बाहर का है तो भाले से अटैक करते हैं, हर तरह से अटैक करते हैं, अपना बचाव करते हैं। नॉर्थ सेंटिनल जो आइलैंड है वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। आज की डेट में भी जब दुनिया इतनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ये लोग वहीं के वहीं हैं। बीमार होते हैं तो अपनी प्रॉब्लम को खुद हैंडल करते हैं। आइए अंदर चलेंगे। इस गैलरी में अंडेमान निकोबार आइलैंड्स के जो ट्राइब है ना उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये ओंगी के बारे में लिखा हुआ है और उनके कुछ पेंटिंग्स देख के आप समझ सकते हो कि वो लोग कैसे दिखते हैं, उनका रहन सहन कैसा है। अब कुछ देर पहले हमने सेंटिनलीज के बारे में बात करी ना, वो लोग नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहते हैं। तो अब ये चीज देखो, नीचे इन्होंने क्लियरली लिखा है देयर प्रेजेंट पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 39। ये लास्ट लाइन आप पढ़ो, वहां तो किसी को भी जाना अलाउड नहीं है और बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत मतलब अटैक कर देते हैं। जरावा मैंने आपको बताया हम बारातंग जाएंगे तो जरावा ट्राइब के आगे से निकल कर जाएंगे, मतलब जहां पर वो लोग रहते हैं उसके बगल में ही हाईवे है तो हम लोग वहां से निकलते जाएंगे। और इनको ना रेड कलर बड़ा पसंद होता है ऐसा हमको समझ में आया। शॉम्पेंस इनके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो निकोबार के ट्राइब हैं उनको बोलते हैं निकोबारीज, तो उनके बारे में यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी है। उनकी वेशभूषा कैसी है वो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो, इन्फॉर्मेशन नीचे है। अंडमान में सबसे बड़ी आबादी है ग्रेट अंडमानीज ट्राइब की। इस गैलरी में ना उनके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन दिख नहीं रही है, हो सकता कहीं और हो। मैंने जो पोर्ट ब्लेयर में फर्स्ट एपिसोड किया था ना वहाँ पर इनके बारे में बताया था, जब मैंने जिक्र किया था बैटल ऑफ अबरदीन के बारे में, अंग्रेज़ों के साथ इनका युद्ध हुआ था, उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ अबरदीन। आज की डेट में पोर्ट ब्लेयर में एक मार्केट है जिसका नाम है अबरदीन बाजार। समुद्री का म्यूजियम के अंदर ही ना एक शॉप है जिसको मैं विजिट करने आया हूँ। तो भैया हमारे को ना ये दिखा रहे हैं सी शेल्स को कट करके ना ये आइटम तैयार किया गया है। तो जैसे इसकी क्या कॉस्ट है? ये आपका 250 रुपीज़ ओनली। 250 रुपीज़। और ये पर्ल्स? ये नेचुरल पर्ल्स,
ये किस काम आएगा? ये हैंड ब्रेसलेट्स। अच्छा, हैंड ब्रेसलेट्स के लिए क्या कॉस्ट है इसकी? 350 रुपीस। 350 रुपीस। नाइस। ये इसका नेचुरल एब्लॉन शेल है, इसका तो जल्दी नहीं। सी शेल ब्रेसलेट्स सी शेल ब्रेसलेट्स मैंने उस दिन सागरिका में भी देखे थे, वो है ना सागरिका हम लोग गए थे। यही शेल्स को कटिंग करके, आपका एल्बॉन शेल को कटिंग करके पेंडेंट एंड इयररिंग्स बनाते हैं ये लेडीज लोग, ज्वेलरीज। भाई इसकी क्या कॉस्ट है? 100 रुपीज ओनली। 100 रुपीज। नाइस, गुड। ये यहाँ का शी पर्ल, नेचुरल शी पर्ल्स। तो ये आप कैसे देते हो? इफ समबडी वांट्स टू बाय पर पीस, पर पीस क्या कितने का होता है? पर पीस 450 रुपीस, 300 रुपीस, 200 रुपीस, 100 रुपीस, स्टार्टिंग फॉर 100 रुपीस, डिपेंड साइज। ये भी मेरे को बड़ा प्यारा लगा है कि अलग अलग शेल को इस्तेमाल करके ना ये टर्टल की शेप दी हुई है। और कितने टोटल शेल्स हैं इसमें? 5 वैरायटीज है। 5 वैरायटीज ना, 1 2 3 4 5 6 6 वैरायटीज ऑफ शेल्स। अच्छा भैया, जैसे आप ये कल्चर्ड पर्स है जी, इसको हम कैसे पहचानते हैं? रगड़ने से खराब हो जाएगा। और ये खराब नहीं होगा। अब देखिए, 5:15, 5:20 तक ना ये म्यूजियम शाम को क्लोज हो जाता है और सुबह 8:30 खुलता है। अब मेरे को ना पिछले 5 मिनट में स्टाफ ने कहा है कि आप जरा जल्दी कर लो क्योंकि म्यूजियम क्लोज होने का टाइम हो गया है। तो अब वैसे भी हमने म्यूजियम पूरा अच्छे से विजिट कर लिया है। अब एक काम करते हैं, आज का ये वाला एपिसोड हम यहीं पर फिनिश कर देते हैं। आज हमने नील आइलैंड से दिन की शुरुआत करी, आपने देखा, फिर हम लोग इधर आ गए, म्यूजियम विजिट किया, ये भी अच्छा रहा। तो आज के एपिसोड में आपको सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी ये ज़रूर बताना, और मुझे क्या लगी मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। आज के पूरे दिन में जो नंबर वन एक्सपीरियंस था ना, वो था भरतपुर बीच। भरतपुर बीच का मुकाबला ही नहीं है। मैं ऐसा हो सकता है आपको लगे मैं एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे भरतपुर बीच वाकई में बहुत पसंद है। अभी फ़िलहाल आपको ये भी बाय बाय कर देता हूँ। कल जो हमारी जर्नी होगी कल हम लोकल पोर्ट ब्लेयर में, वो आप अगले एपिसोड में देखोगे। ठीक है जी, थैंक्स फॉर योर टाइम। इन सेल्स में आप देखेंगे यहाँ कोई टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है। यहाँ एक छोटा सा कटोरा रखा जाता था, मिट्टी का बना हुआ, रात को किसी को यूरिन पास करना है तो उसमें पास करता था, अब उसी के साथ उसको रहना था। और स्टूल किसी को रात को स्टूल अगर किसी को आ गया वो चीखता चिल्लाता रहेगा। इस पूरी विंग में एक वार्डर हुआ करता था और वो वार्डर दरवाजा खोल के उसको नीचे तो लेके जाएगा नहीं, ये इजाजत नहीं थी। तो या तो रोक के रहो, अदरवाइज वहीं सेल में स्टूल पास होता था, रात भर उसी हालत में उसको रहना था। वहाँ कोई पानी भी नहीं था, सोचिए किन हिन ह्यूमन कंडीशंस में वो लोग पड़े थे यहाँ पे। और इतना ही नहीं, सुबह उसको खुद साफ करना पड़ेगा, और इतना ही नहीं उसके बाद मार पड़ेगी कि आपने ऐसा किया क्यों। ये नर्क सहा है उन लोगों ने।